नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। राजस्थान के जयपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। वैसे तो अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है, लेकिन आजकल के अस्पताल भी ऐसे मल्टी फाइव स्टार बनते जा रहे हैं जहां इलाज तो महंगा होता ही है, लेकिन अस्पताल के संचालक हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कैसे मरीजों से लूट खसोट की जाए, क्योंकि मल्टी स्टार की तरह बनाए गए अस्पतालों में संचालक इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि उस पैसे को वसूलने के लिए संचालक फिर कई नई तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। ऐसा ही एक मामला जयपुर के उस अस्पताल में घटित हुआ जिसका नाम देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। महात्मा गांधी के नाम पर बने इस अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद अब बवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गांव का रहने वाला एक व्यक्ति अपने परिजन को इलाज के लिए अस्पताल में लाया था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। जी हां, आपको बता दें कि उसे 11:56 पर एडमिट दिखाया गया, लेकिन अस्पताल के संचालकों ने मरीज की मौत के बाद परिजनों के हाथ में जब बिल पकड़ाया तो बिल देखकर परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि अस्पताल के संचालकों ने मरीज की मौत के बाद भी कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। उल्टा 4 मिनट पहले हुई भर्ती पर उन्होंने पूरे दिन का चार्ज ठोक दिया। मरीज के परिजन लाख गुहार लगाते रहे और दुहाई देते रहे, लेकिन 4 घंटे तक उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। बाद में जब संचालक वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात बताई। बजाय मरीज के परिजनों को राहत देने के उल्टा उन्हें मारपीट कर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। साथियों, मैं अभी हूँ महात्मा गांधी हॉस्पिटल। जयपुर का नामी हॉस्पिटल है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर जो लूट का इन्होंने एक दुकान जो खोल रखा है, दुकान की मैं आपको असलियत इनके सामने बताता हूँ लाइव आपको टेलीकास्ट। मेरा पेशेंट है सीमा शर्मा के नाम से, ये इनका बिल है पूरा, ये इनका बिल है। बिल इन्होंने मुझे बना के दिया है टोटल 48,43,800 रुपये का। और इन्होंने 2 दिन का, सुबह 9 बजे मैंने मेरा पेशेंट यहाँ पे एडमिट कराया है महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर। और ये भाई साहब यहाँ पे केस काउंटर पे बैठे हैं, अशोक शर्मा जी नाम अपना बता रहे हैं। इन्होंने 10,000 रुपये मेरे से दो दिन का आईसीयू चार्ज क्लेम किया है। आज सुबह 30 तारीख को 11:56 पे इन्होंने मेरे को एडमिट दिखा रखा है पेशेंट को, मतलब 4 मिनट पहले, 12:04 पहले। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि 2 दिन का चार्ज लगेगा, क्योंकि 4 मिनट आपने बाद में एडमिट कराया पेशेंट को, 4 मिनट के लिए ये 2 दिन का चार्ज क्लेम कर रहे हैं। पैसा वापस नहीं दे रहे। मेरी बात कराओ, कौन है पकड़ना इसको। हेलो सर, एक बार आप थोड़ा कष्ट करो ना, आप काउंटर पे पधारने का। सर कहाँ पे आपने ऑफिस? 44 नंबर। अच्छा, नहीं नहीं तो सर मुझे एक बार आप एक थोड़ा सा क्लियर कर दो। पेशेंट को आपने जो बिल मुझे दिया है इसके अंदर 11:56 पे आपने एडमिट नहीं, बिल मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आपके यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं कि साहब आपने 11 बजे पेशेंट को एडमिट कराया तो 2 दिन का चार्ज लगेगा। सर ये होटल खोल रखा है क्या आपने? ये चेक इन चेकआउट का काम आपने होटल खोल रखा है क्या? क्या नाम है आपका? अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा काउंटर के ऊपर। मैं नहीं आ रहा कहीं पे भी 44 नंबर में। मेरा पेशेंट डेड हो चुका है और आप 2 दिन का चार्ज क्लेम कर रहे हो, क्या नाटक लगा रखा है क्या आप लोगों ने? ये नहीं कहा आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, पैसा मैंने केस काउंटर पे दिया है, मीडिया को मैं बुलाता हूँ, आप लोगों ने लूट का धंधा खोल रखा है यहाँ पे। यार क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने? ये किसको किसको वो सब आएगा, वो सब सर यहाँ पे आएगा। आप एक बार यहाँ पे पधारने का कष्ट करो, मुझे इस चीज का क्लियर करो कि आपने किस चीज का पैसा लिया है यहाँ पे। भाई साहब मैं नहीं आ रहा 44 नंबर, मैं नहीं जानता, गांव का आदमी हूँ, मेरा पेशेंट डेड हो गया, एक मेरा पेशेंट डेड पड़ा हुआ है, मुझे लेके गांव निकलना है अभी। आपको जो आना है आप यहाँ पे काउंटर पे आओ, आपको काउंटर पे आना पड़ेगा, नहीं तो ये आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो नाम है आपका, इसका जो आपने जो लूट का धंधा, जो लूटने की जो दुकान खोल रखी है, इस दुकान पे ताले लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। ये एक गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपने खोल रखा है। आप लोग जो लूट का धंधा जो खोल रखे हो ये ऐसा नहीं चलेगा। आप एक बार काउंटर पे पधारने के कष्ट करो थोड़ा सा। हाँ काउंटर पे आओ भाई साहब, ये काउंटर पे आ रहे हैं, इनके जो अधिकारी हैं अधिकारी आ नहीं रहे हैं। बाकी यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमारे से भी डबल टाइम का क्लेम किया हुआ है। आप सब लोग पढ़े लिखे हो, बिल के अंदर आप देखो 30 तारीख 11:56 पे एडमिट किया पेशेंट को, और 4 मिनट लेट होने के वजह से 2 दिन का पैसा ये लोग ले रहे हैं, 2 दिन का आईसीयू का पैसा ये लोग ले रहे हैं, और इनके अधिकारी यहाँ पे आ नहीं रहे। पेशेंट मेरा डेड हो चुका है,
अभी मेरे को लेके निकलना है गांव के लिए, और ये लोग कह रहे हैं कि 3 घंटे इंतजार करो। क्या नाटक लगा रखा है? महात्मा गांधी श्री राम कैंसर सुपर जनरल स्पेशलिटी सेंटर, आप देखो इसको। 9 बजे से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे चक्कर काट काट के परेशान हो गए हैं। ये स्टाफ यहाँ पे कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी आ नहीं रहा है। ये हॉस्पिटल देखो, क्या आलीशान होटल बना रखा है इन लोगों ने, लूटने के लिए लोगों को होटल बना रखा है इन लोगों ने। ये महात्मा गांधी हॉस्पिटल की असलियत है। भाई आपको कुछ नहीं बोल रहे, संतुष्ट करो, अशोक जी करने का मतलब ये है। ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, ना इनका कोई अधिकारी यहाँ पे आ रहा है, ना हमारे को कुछ बताया जा रहा है। अननेसेसरी हम लोगों को परेशान किया जा रहा है यहाँ पे। ये क्या लूट के लिए आपने भाई साहब दुकान खोल रखी है? ये भाई साहब आपने क्लेम कर रखा ना, आपने 2 दिन का पैसा ले रहे हो आप। पेशेंट एक मिनट पेशेंट कितने बजे आया आपके पास? आपके सामने बिल है भाई साहब, देख लीजिए। अरे भाई साहब बिल तो मैंने दिखा दिया, पेशेंट कितने बजे आया आपके पास? अशोक जी भाई साहब पेशेंट कितने बजे आया आपके पास? आएंगे एक पेशेंट का इशू था, उसका वो आई सी चार्ज का मैटर था, उनको बता दिया। जैसे आपसे बात हुई, पेशेंट 9 बजे आया सुबह आई सी के अंदर, एक दिन पहले गेस्ट रूम में आया था। सुन लो साहब, आज सुबह 9 बजे आया था, इसका रेडिंग का चार्ज लगा है आई सी का। अब सर आ रहे हैं, हम सर सॉर्ट आउट करेंगे मैटर, क्या बात है क्या नहीं है सर। हाँ अटेंडर समझ नहीं आ रही, लूट का धंधा बना रखा आप लोगों ने यार। नहीं आपने 2 दिन का डेट देने कैसे कर दी आपकी इच्छा से? नहीं आप तो 10 दिन का चार्ज ले लोगे, 10 दिन पेशेंट रहेगा नहीं, 10 दिन का चार्ज ले लो आप लोग। फिर आप बोल दोगे अभी 2 दिन के लिए कर दिए, जब जैसे आप 2 दिन का 1.5 दिन कर रहे हो। मेरी इच्छा से कर दिया, ये कौन सा तरीका आ गया? मेरी इच्छा से कर दिया आपकी इच्छा से। ये भाई साहब महात्मा गांधी की ब्रांच है श्री राम कैंसर सुपर स्पेशलिटी सेंटर। ये सुपर स्पेशलिटी नहीं, सुपर लूटमार का धंधा इन लोगों ने यहाँ पे चालू कर रखा है। और हम लोगों का पेशेंट जा चुका है, इस दुनिया में नहीं है। हम लोगों को अननेसेसरी 3 घंटे से परेशान किया जा रहा है यहाँ पे। 9 बजे हमारे पेशेंट की डेथ हो चुकी है और अभी 12:01 बज गया, 4 घंटे से इन लोगों को कोई जवाब दे, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आ रहा है, और ये लोग हम लोगों को फालतू में परेशान किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी हॉस्पिटल की असलियत है साथियों, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर का जो हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी के ये कर्णधार है यहाँ पे जयपुर शहर के अंदर, जिन लोगों ने लूट का धंधा यहाँ पे खोल रखा है। ये कौन सा तरीका है? मर्जी से काट दिया, आधा घंटे तो अशोक जी की तरफ से कम हो गया, एक आधा दिन तो अशोक जी ने कम कर दिया। हमारे साहब आ रहे हैं, लो एक मिनट इनको चलो रखो इसको पकड़ो। अरे नरेंद्र इसको पकड़, लाइव एकदम बिल्कुल टेलीकास्ट करना। साहब नमस्कार, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।